नमस्कार, दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं सुनील यादव। आप देख रहे हैं निष्पक्ष बात। आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। सभी राष्ट्र प्रेमियों को महान राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सोहागपुर सेमरी हरचंद के रामनगर नर्मदा घाट पर हुए नाव हादसे में 6 लोगों की जान बचाने वाले चारों युवाओं का गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मान किया गया। आपको बता दें कि सम्मान पाने वाले चारों युवा शिवराज, सोनू, कृपेश, विजय ने हादसे के समय अपनी जान पर खेलकर डूबते लोगों की जान बचाई थी, जिनमें 1 साल का बालक सहित 5 लोग भी शामिल थे। समस्त देशवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर नगर के शासकीय उत्तर बालक माध्यमिक शाला में सुबह 7:30 बजे ध्वजारोहण किया गया और महात्मा गांधी के चित्र पर अतिथियों ने माल्यार्पण किया, जिसके पश्चात स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं पिछले 6 सालों से शिवसेना के जिला उपाध्यक्ष चंद्रकांत गढ़वाल के द्वारा स्कूल में हर कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चों एवं बच्चियों को स्कूल बैग वितरित करने के साथ ही बरसात के दिनों में मारू नदी में एक शिक्षक जो कि स्कूल से लौटकर घर आ रहे थे नदी में बह गए थे, उन्हें बचाने वाले चंदन अहिरवार को भी नगद राशि देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में सरपंच सरस्वती बड़गोती, उप सरपंच धर्मेंद्र पटेल, चौकी प्रभारी उमाशंकर यादव, ब्रजमोहन पचौरी, सुनील पचौरी, धर्मेंद्र सुलेखिया, रामकिशोर पटेल, भागीरथ मालवी व समस्त स्कूल के शिक्षक शिक्षिका एवं विद्यार्थी, गणमान्य नागरिक मुख्य रूप से उपस्थित। स्वामी विवेकानंद हायर सेकेंडरी स्कूल में 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा वंदन करने के साथ ही बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व सैनिक एवं वर्तमान चौकी प्रभारी उमाशंकर यादव ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम पूरी आज़ादी से गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, पर इसके पीछे कितने बलिदानियों ने शहादत दी है यह हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। यादव ने बच्चों को स्वच्छता का संदेश भी दिया, साथ ही कहा कि सभी बच्चे अच्छे विद्यार्थी बनकर खूब पढ़ाई करें, जिससे हम एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकें। स्कूल संचालक अशोक यादव एवं घनश्याम यादव ने सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कार्यक्रम में उपस्थित हुए सभी अतिथियों और पालकों का आभार व्यक्त किया।